हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स लिट की। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे 30 अजर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये पार्ट हमारा थर्ड है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अजर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन फ्रॉम 21st क्वेश्चन टू 30th क्वेश्चन। अगर आपने केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस एंड assertion एंड रीजन टाइप क्वेश्चन इसी चैप्टर के नहीं देखे हैं सो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन में आप क्लिक कर वो वीडियोस देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतने ही नए कॉन्सेप्ट, उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे और उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 से केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 50 एमसीक्यूज हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में से एंड 30 अजर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में से। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। अजर्शन, नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल होते हैं उनका परमानेंट डाइपोल नहीं होता, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है ना। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे केस स्टडी टाइप में भी और प्रीवियस हमारे अजर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में भी कि नॉन पोलार मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर कुछ इस तरीके से कोइंसाइड करता है। ठीक है, और पोलार मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, जिनका कुछ इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल हमारे होते हैं पोलार मॉलिक्यूल। ठीक है, और आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो पोलार मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल होता है। ठीक, डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ डाइपोल ही नहीं क्रिएट हो रहा क्योंकि दोनों चार्जेस हमारे एक ही जगह पर हैं, है ना, कोइंसाइड कर रहे होते हैं। तो ये हमारा होता है नॉन पोलार। अब यहाँ पर हमको अजर्शन में क्या दिया हुआ है, देखो, नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, परमानेंट डाइपोल नहीं होता है। रीजन में क्या होना चाहिए था कि नॉन पोलार मॉलिक्यूल में हमारे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड करता है, इसीलिए। हम रीजन रीड करते हैं यहाँ पर क्या गिवन है इस रीजन में। इन पोलार मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। क्या कह रहे हैं कि जो हमारी पोलार मॉलिक्यूल है, है ना, यहाँ पर पोलार मॉलिक्यूल गिवन है, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए था, इन नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। जब एक्सटर्नल फील्ड पास नहीं होती है तो हमारे नॉन पोलार के लिए हमारा कुछ इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है। ठीक, तो ये बात यहाँ पर होनी चाहिए थी नॉन पोलार मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रीजन में लिखा हुआ है पोलार मॉलिक्यूल, यानी कि पोलार मॉलिक्यूल में तो हमारा परमानेंट डाइपोल होता है और उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है, है ना, कोइंसाइड नहीं करता है, बल्कि कुछ डिस्टेंस पर होता है। तो यहाँ पर हमारा रीजन कैसा हो गया, स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ठीक, assertion is true while reason is false, ऐसा हमारे कौन से ऑप्शन में था, थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी, assertion is true while reason is false। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। यहाँ पर अगर इस रीजन में यहाँ इन पोलार की जगह अगर इन केस नॉन पोलार भी लिखा आ जाए तो हमारा रीजन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और तब हमारा रीजन हमारे assertion को करेक्टली एक्सप्लेन करने लगता और तब हमारा आंसर ए होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नॉन पोलार की जगह पोलार दिया है, यानी कि हमारा रीजन जो है, सेकंड स्टेटमेंट जो है, वो पूरा कंप्लीटली गलत हो गया। ठीक, सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजर्शन इज ट्रू व्हाइल रीजन इज फॉल्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अजर्शन, अ कैपेसिटर कैन बी ब्रोकन बाय प्लेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट। एक कैपेसिटर को हम ब्रेक कर सकते हैं बाय प्लेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट, तो यार ये तो बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज देने की कोशिश करेंगे तो कैपेसिटर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब ये है कि यार हमारा कैपेसिटर खराब हो जाएगा। ठीक है, रीज़न, आफ्टर ब्रेकेज पोटेंशियल कैपेसिटर इज डिस्ट्रॉयड, ये भी बिल्कुल सही बात है। आपने NCERT में रीड किया होगा कैपेसिटर के केस में ही कि जब भी हम क्या करते हैं,
ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज देने की कोशिश करते हैं, तो जितना ज़्यादा हम चार्ज देते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे कैपेसिटर के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा, है ना। हमने पढ़ा है ना क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितना ज़्यादा हम चार्ज देते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आता जाएगा। और जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं ब्रेकेज पोटेंशियल, अगर हमारा पोटेंशियल ब्रेकेज पोटेंशियल से क्रॉस कर जाता है, यानी कि और ज़्यादा पोटेंशियल देने, मतलब एक लिमिट होती है पोटेंशियल देने की भी, एक कैपेसिटर की लिमिट होती है चार्ज रखने की भी, चार्ज स्टोर करने की भी, उससे ज़्यादा पोटेंशियल अगर हम देंगे, यानी कि उससे ज़्यादा चार्ज देने की कोशिश की, ज़्यादा चार्ज उसके बीच में डेवलप होगा, तो एक होता है ब्रेकेज पोटेंशियल। अगर हमने उस ब्रेकेज पोटेंशियल को क्या करा, क्रॉस कर दिया है ना, और उससे ज़्यादा पोटेंशियल देने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो चार्ज है वो क्या होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है, हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगेगा, और हमारा कैपेसिटर वहाँ पर उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। हम बोल सकते हैं कि चार्ज वहाँ पर लीक होने लगेगा, ठीक है। जब भी हमारा पोटेंशियल ब्रेकेज पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाता है, तब हमारा कैपेसिटर चार्ज को लीक करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने लगता है, ठीक है। और फिर ये भी हो सकता है कि अगर उसमें जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ हो, वो डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर जो है वो अपने एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर बर्न भी हो सकता है ना, बर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो यार यहाँ पर हमारा assertion जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, और reason भी देखो अपने आप में बिल्कुल सही है। After breakage potential, capacitor is destroyed. Breakage potential के बाद है ना, और charge potential देने की कोशिश करेंगे हम, charge देंगे तो और ज़्यादा potential होगा, है ना, तो उस वजह से हमारा capacitor जो है वो destroy हो जाता है, ठीक। So बातें कहीं ना कहीं अपने आप में दोनों ही सही हैं, but इस नीचे वाले स्टेटमेंट को सिर्फ हम सिंगल देखें, है ना, आफ्टर ब्रेकेज पोटेंशियल कैपेसिटर इज डिस्ट्रॉय, मतलब ये अपने आप में बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट, बट इसका रीजन नहीं हुआ। अजर्शन में क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटर कैन बी ब्रोकन बाय प्लेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पर रीजन पूछ रहे हैं कि हम चार्ज दे रहे हैं तो हमारा कैपेसिटर किस तरीके से ब्रेक हो रहा है, हमें वो बताना है ना। यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था, बिकॉज चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अगर हम चार्ज ज़्यादा करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, और फिर वहाँ पर ब्रेकेज पोटेंशियल हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो रीजन में कुछ इस तरीके का लिखा होना चाहिए था, है ना। ब्रेकेज पोटेंशियल से ज़्यादा अगर पोटेंशियल हो गया तो हमारा कैपेसिटर डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन यहाँ नीचे रीजन में कुछ और ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि अजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर अजर्शन, देयरफॉर अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू बी। बी में क्या देखा था हमने, assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of our assertion. देखते हैं next question, 23, assertion. Increasing the charge on the plates of a capacitor means increasing the capacitance. अगर हम चार्ज को ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो क्या कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा, यहाँ पर हमारा assertion बिल्कुल गलत हो गया। हमने पढ़ा है कि हमारा चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज देते जाएंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V लिखा है हमने, यहाँ से हमको Q इज इक्वल टू सी वी मिलता है ना, और यहाँ जो कैपेसिटेंस होता है वो इस चार्ज पर और इस पोटेंशियल पर डिपेंड ही नहीं करता। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है, ये बात बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। यानी कि हमारा गिवन assertion कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमने चार्ज ज़्यादा कर दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अरे भाई आपने पढ़ा होगा कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में हमारा हम देख सकते हैं कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं हम, अगर हम एरिया ऑफ प्लेट को डबल कर दें, है ना, मतलब एरिया को अगर हम प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स को अगर हम ज़्यादा करें तो कैपेसिटेंस हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। या फिर डिस्टेंस को अगर हम कम कर दें तो भी हमारा कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस एरिया ऑफ प्लेट और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज और पोटेंशियल पे, ठीक। सो हमारा assertion यहाँ पर कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन देखते हैं क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो यहाँ पर ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वेयर बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। 24th देखते हैं, assertion, चार्ज ऑन ऑल द कंडेंसर इज कनेक्टेड इन सीरीज
इज द सेम। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा सीरीज में इस तरीके से कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, यहाँ पर हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी लगाने से जो हमारा कैपेसिटर है वहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, है ना, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा हमारी बैटरी की वजह से, तो यहाँ पर हमारा डेवलप होने लगेगा एक पॉजिटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि निकलते जाएंगे इस लेफ्ट वाले एंड से, है ना, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे और इस तरफ आते जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा इस एंड में नेगेटिव चार्ज इस तरीके से डेवलप हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इधर नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे डेवलप हो जाता है। जितना चार्ज यहाँ पर होता है उतना ही इस प्लेट में होगा, क्योंकि यार कैपेसिटर या फिर कंडक्टर है ना हमारा, कैपेसिटर क्या है, कंडक्टर है, तो यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है ये पूरा यहाँ पर न्यूट्रल होता है, है ना, ये दो प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, ये दोनों कैसी होनी चाहेंगी, ओवरऑल ये न्यूट्रल होनी चाहेंगी, तो यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो ऑब्वियसली इस प्लेट के यहाँ पर कैसा होना चाहिए था, माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए था, और जैसे यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, किसकी वजह से, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन की वजह से। तो हम बोल सकते हैं जितना चार्ज यहाँ इस कैपेसिटर के पास प्लस क्यू चार्ज, इसके पास माइनस क्यू चार्ज, मतलब इक्वल चार्ज जो है हमारे दोनों ही कैपेसिटर के पास या कंडेंसर के पास आ जाता है, ठीक है। सो हमारा अजर्शन यहाँ पर कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है, चार्ज ऑन ऑल द कंडेंसर इज कनेक्टेड इन सीरीज इज सेम, ठीक। सो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर हमारा अजर्शन। रीजन पढ़ते हैं, रीजन में क्या है, रीजन में क्या है, देखो, पोटेंशियल ऑफ ऑल द कंडेंसर कनेक्टेड इन द पैरेलल इज सेम। यहाँ पर अब दूसरा स्टेटमेंट बोल दिया इन्होंने, ठीक है, कि अगर हमारे कंडेंसर कुछ इस तरीके से पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलली एक दूसरे से कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमने बैटरी लगाई, ठीक, वी वोल्ट की, सो यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस वो कैसा रहता है, सेम रहता है, यानी कि हमारा रीजन अपने आप में सही है, अजर्शन अपने आप में सही है, बट हमारे रीजन का हमारे अजर्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो गया सेकेंड, आंसर यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, सेकेंड, बी, बी में क्या था, बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर अजर्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अजर्शन, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, इफ वी मूव इट फर्दर अपार्ट वर्क विल बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स एंड द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर गेट डिक्रीज्ड। क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटर जो है उसको कनेक्ट किया है हमने बैटरी से, इफ वी मूव इट फर्दर अपार्ट, अगर हम कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उसको हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं ना, सो वर्क विल बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, हम दोनों प्लेट्स को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, है ना, उस पर हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट टू अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर गेट डिक्रीज, तो हम जो वर्क कर रहे हैं उससे जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही है हमारा अजर्शन यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ही हम, ये हमारा कैपेसिटर है यहाँ और यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है हमारी, ठीक, इससे हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक है, यहाँ पर डेवलप हो गया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर डेवलप हो गया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस डी है और फिर हमने क्या करा, डिस्टेंस को और बढ़ा दिया, प्लेट्स को मूव करा एक दूसरे से, है ना, इफ वी मूव इट फर्दर अपार्ट का क्या मतलब है, हमने कैपेसिटर की प्लेट्स का जो बीच का डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यार सिंपल, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो अभी हमने देखा था C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, अगर डिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा डिस्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, यानी कि पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम, और यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारी क्या होती है, यू, एनर्जी हमारी क्या होती है, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो पोटेंशियल तो सेम है लेकिन हमारा कैपेसिटेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया था, अब कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया, यानी कि एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि गिवन अजर्शन कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। रीजन पढ़ते हैं,
The energy stored in capacitor is dissipated in the form of heat energy. ये भी बिल्कुल सही है. Reason अपने आप में सही है कि जो energy capacitor में store होती है वो खर्च हो जाती है, dissipate हो जाती है in the form of heat energy. क्योंकि हमारा capacitor है ना जो है कुछ amount of energy जो है वो release भी कर रहा होता है in the form of heat energy. यानी कि reason भी बिल्कुल सही है, ये अपने आप में statement बिल्कुल सही है. Assertion अपने आप में बिल्कुल सही है, बट हमारा रीज़न हमारे assertion को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. यहाँ पर होना क्या चाहिए था, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग सो द कैपेसिटेंस विल डिक्रीज. और एनर्जी की बात है तो एनर्जी हमारा क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर. और वो बैटरी सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, यानी कि बैटरी हमारी कैसी हो गई, सेम. यानी पोटेंशियल हमारा कैसा हो गया, सेम. कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से हमारी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो हमारा assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट हमारा रीजन हमारे assertion को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो अवर करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बी. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 26th assertion, इलेक्ट्रिक एनर्जी resides आउट ऑफ दिस spherical आइसोलेटेड कंडक्टर. रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. बिल्कुल सही बात है. अगर हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, है ना, और उसके पास चार्ज उसके सरफेस पर होता है. तो हमने यहाँ ले लिया पॉजिटिव चार्ज, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, और इसके अंदर हमने पढ़ा है एनर्जी, और इसके अंदर हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, जीरो, है ना. एक कंडक्टर के अंदर, एक चार्ज कंडक्टर के अंदर, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, जीरो, है ना. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगी तो अंदर हमारी एनर्जी होगी ही नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ही नहीं. सारी एनर्जी कहाँ होगी, इसके बाहर होगी, कुछ इस तरीके से, है ना. एंड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएं तो कुछ ऐसे निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी. ठीक है, यानी कि अगर हम assertion को दोबारा से रीड करें तो assertion में क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसाइड आउट ऑफ द, बिल्कुल सही बात है कि यार स्फीयर से एनर्जी जो है वो इसके बाहर होती है, है ना. स्फीयर के कैसी होगी, इस स्फीयर के कैसी होगी, आउटवर्ड्स होगी, बाहर होगी हमारी एनर्जी. और इनसाइड एनर्जी कैसी होती है, जीरो. क्यों, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैसी होती है, जीरो. यानी कि बोथ assertion भी ट्रू है, है ना. और हमारा रीजन में भी यही तो बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैसी होती है, जीरो. तो अंदर हमारी एनर्जी ही नहीं होगी इलेक्ट्रिकल, सारी एनर्जी कहाँ होगी, स्फीयर के बाहर होगी. सो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर assertion. देयरफॉर अवर करेक्ट आंसर इज ए. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी थ्रू अ की. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया है बैटरी से. अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, द एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स के टाइम. देखो बैटरी अभी भी क्या है, लगी हुई है, इंसर्टेड है, और फिर हमने डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डाला. तो देखो होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर हमारे पास बैटरी लगी होती है, ठीक, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो कैसा हो जाएगा, इनिशियली पोटेंशियल अगर हमारा कितना है, वी नॉट, तो फाइनल पोटेंशियल भी हमारा क्या हो जाता है, वी नॉट. क्यों, क्योंकि पोटेंशियल हमारा बैटरी तो सेम है, बैटरी तो यहाँ पर कैसी है, सेम है. और अगर बैटरी सेम है, यानी कि पोटेंशियल जो होगा डिफरेंस इसके अक्रॉस, वो भी कैसा हो जाएगा, सेम. ठीक है, अब बैटरी लगी हुई है, है ना, तो यहाँ पर हमारा डायलेक्ट्रिक को अगर हम इंसर्ट करते हैं तो हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटेंस है, इनिशियल कैपेसिटेंस कितना होता है, सी नॉट. और हमारा जो फाइनल कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, सी नॉट इंटू के. अगर मैंने डायलेक्ट्रिक डाला है जिसका कांस्टेंट कितना है, के, तो मेरा कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस हमने क्या ले लिया, जो फ्री स्पेस में था उसको ले लिया सी नॉट. और डायलेक्ट्रिक डालने के बाद हमारा जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया, सी नॉट टाइम्स ऑफ के. ठीक है, अब अगर हम यहाँ चार्ज की बात करें तो चार्ज हमारा यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, जब हमने इसमें डायलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था तब चार्ज कितना था, क्यू नॉट. अब यहाँ से अगर हम चार्ज निकालें तो क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, चार्ज हमारा आएगा वी नॉट इंटू सी नॉट इंटू के. ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है.
सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. वी हमको पता है वी नॉट है, सी हमको पता है सी नॉट इन टू के है, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा, यानी कि चार्ज भी हमारा क्या हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हमारे पास कैपेसिटर है जिसमें पहले एयर फील्ड थी, है ना, और वी पोटेंशियल से बैटरी से वो कनेक्टेड था हमारा कैपेसिटर, ठीक, तब चार्ज उसके पास कितना होगा, क्यू नॉट, कैपेसिटेंस उसके पास कितना होगा, सी नॉट, और पोटेंशियल उसके पास कितना होगा, वी नॉट. फिर हमने क्या किया है, बैटरी को इंसर्ट ही रहने दिया है और डाइलेक्ट्रिक भी हम डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक. तो हमारा पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम, क्यों, क्योंकि बैटरी सेम है. कैपेसिटेंस हमने पढ़ा हुआ है डायलेक्ट्रिक डालने से इंक्रीज हो जाता है के टाइम्स, तो ये वो हो गया. फिर हमने देखा कि यार अगर चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने फॉर्मूला लगा करके निकाला, तो हमने ये देखा कि चार्ज भी हमारा के टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको पूछी थी एनर्जी. अब हम बात करते हैं एनर्जी के साथ क्या हो रहा होगा, ठीक है. अभी हमने देखा डायलेक्ट्रिक डाल रहे हैं जिसका कांस्टेंट कितना है, के, ठीक. तो चार्ज हमारा क्या हो रहा है, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ के हो रहा है. कैपेसिटेंस हमारा क्या हो रहा है, सी नॉट टाइम्स ऑफ के हो रहा है. और पोटेंशियल हमारा कैसा है, सेम है. तो अब हम एनर्जी निकालते हैं. अगर हम इनिशियल एनर्जी ले लेते हैं हाफ, है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन सी ले लेते हैं, तो अब हमारी एनर्जी क्या होगी, हम निकाल देते हैं. देखो हाफ इंटू चार्ज हमारा कितना है, क्यू स्क्वायर, यानी कि क्यू नॉट का स्क्वायर के का स्क्वायर अपॉन कैपेसिटेंस हमारा कितना है, सी नॉट इंटू के. तो देखो के से के कैंसिल, तो यहाँ से क्यू नॉट, ये जो पूरा टर्म है हमारा हाफ सी नॉट अपॉन में और क्यू नॉट का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया, यू नॉट बन गया, यानी कि इनिशियल एनर्जी बन गई. और यहाँ पर हमारा इस एक्सप्रेशन में एक के और बच रहा है, तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो हमारी पहले से के टाइम्स कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई, है ना, यानी कि इंक्रीज हो रही है हमारी एनर्जी अगर बैटरी कनेक्टेड है और हमने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ठीक. पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट. सो अब रीड करते हैं. देखो अजर्शन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी थ्रू अ की, अ डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, द एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स के टाइम्स. बिल्कुल सही बात है, ठीक है. अभी मैंने बताया एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, यू नॉट टाइम्स ऑफ के हो जाएगी. रीजन, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. देखो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि यार हमारी ये बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय ए. यार अगर हमारा चार्ज ही के टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना, तो हमारी जो डेंसिटी होगी वो अब नहीं हो जाएगी, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ के हो जाएगा, राइट. सो हमारा यहाँ पर रीजन कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया. क्यों, यहाँ पर बोल रहे हैं हमारी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो सेम रहेगी. अरे यार जब चार्ज ही चेंज हो रहा है, चार्ज ही के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी डेंसिटी भी तो चेंज हो जाएगी ना, कॉन्स्टेंट कैसे रहेगी. सो हमारा रीजन यहाँ पर कैसा है, फॉल्स. अजर्शन इज ट्रू वाइल रीजन इज फॉल्स. सो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, थर्ड सी, अजर्शन इज ट्रू वाइल रीजन इज फॉल्स. 28. Assertion. A dielectric is inserted between the plates of a battery connected capacitor. The energy of the capacitor increases. देखो ये तो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बता दिया कि जो हमारी एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है. अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज इनिशियल हम लेते हैं क्यू नॉट. फाइनल चार्ज अगर हम बात करें, तो फाइनल चार्ज हमारा क्या होता है, के टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि क्यू नॉट टाइम्स ऑफ के हो जाता है. इनिशियल पोटेंशियल की बात करें, तो हमारे बैटरी से पोटेंशियल कितना मिलता है हमको, वी नॉट. फाइनल पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो फाइनल पोटेंशियल भी हमारा वी नॉट. अगर इनिशियल कैपेसिटेंस की बात करें, तो उसको लेते हैं सी नॉट. और फिर अगर हम डायलेक्ट्रिक डालकर बात करें, तो कैपेसिटेंस हमारा के टाइम्स बढ़ जाता है. फिर एनर्जी की बात हमने की, इनिशियल एनर्जी को अगर हम ले रहे हैं यू नॉट, तो फाइनल एनर्जी हमारी क्या मिल रही थी हमको, यू नॉट टाइम्स ऑफ के. मतलब एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज ही तो हो रही है ना, कोई चीज़ उसमें मल्टीप्लाई हो रही है, के कांस्टेंट उसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है. रीजन में क्या है, देखो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर. यहाँ पर हमको एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया कि यार इस फॉर्मूले को यूज कर हम निकाल सकते हैं कि हमारी एनर्जी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक. सो हमारा अजर्शन यहाँ पर कैसा है, ट्रू. रीजन भी हमारा कैसा है, ट्रू, कि हम इस फॉर्मूले को यूज कर एनर्जी इंक्रीज हो रही है ये रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने भी तो ऐसे ही निकाला ना, हमने यू इज इक्वल टू हाफ क्यू
स्क्वायर अपॉन सी करके निकाला। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या रिलेशन दिया है, हाफ सी वी स्क्वायर वाला रिलेशन दिया है, तो यार इससे भी हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियल क्योंकि सेम रहेगा, कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा यानी कि हमारी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस रिलेशन से भी हम निकाल सकते थे। सो हमारा अजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है कि यार इस फॉर्मूले को यूज कर हम निकाल सकते हैं। सो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, assertion is true, reason is true and reason is the correct explanation of our assertion. ठीक है, देखते हैं next question 29th. A dielectric is inserted between the plates of a battery connected capacitor. The charge remains same. Same वही उसी type का question है कि अगर battery connected है तो यार हमारा charge same कैसे रह सकता है? Potential same होता है, potential same होता है, लेकिन हमारा charge जो है वो तो क्या होता है? Increase होता है, right? Dielectric is inserted between the plates of a battery connected capacitor. The charge remains same. तो यार charge तो same बिल्कुल नहीं होता है। तो assertion यहाँ पर कैसा हो गया? Wrong. बिकॉज द पोटेंशियल रिमेन सेम, तो यार ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? रॉन्ग। हाँ, अगर ये सिर्फ ऐसा बोलते द पोटेंशियल रिमेन्स सेम वेन डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ बैटरी कनेक्टेड कैपेसिटर, तो फिर हमारा रीजन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर इसके रिलेशन में ही हमको दिया हुआ है बिकॉज द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। हाँ, हम मान सकते हैं यहाँ पर हमारा रीजन कैसा है, ट्रू है, बट क्योंकि हमारे ऑप्शन में ऐसा कहीं पर भी नहीं था कि रीजन इज ट्रू एंड अजर्शन इज फॉल्स, ठीक, ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है, बट क्योंकि हमारे में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, होता ज़रूर है कि हमारा सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, अजर्शन इज फॉल्स, ऐसा स्टेटमेंट होता ज़रूर है, ऑप्शन ऐसा होता ज़रूर है, बट हमारे उसमें नहीं है, ठीक है। हमारा जो सिलेबस पैटर्न रखा है उसमें हमको सिर्फ फोर ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर अजर्शन। सेकेंड क्या है, बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर अजर्शन। थर्ड हमारा क्या है, अजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। फोर्थ हमारा क्या है, बोथ अजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो अगर हमारा कहीं पर कुछ ऐसा फंस रहा है ना, तो भी हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे, ठीक है। अगर हमारा अजर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो हम ऑप्शन नंबर डी को ही चूज करने वाले हैं, ठीक। अगर हाँ कहीं आपको ऑप्शन में उन फोर ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन दे दिया कि अजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो फिर हम वो ऑप्शन यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If assertion, if 100 joule of work must be done to move electric charge equal to 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt to another place where the potential is V volt, then the value of V is using the relation work is equal to, देखो हमने एक relation पढ़ा है कि work is equal to क्या होता है, charge into potential difference, ठीक है। अब इस question में हमको बोल रहे हैं work हमने कितना किया है 100 joule, तो work की जगह पर लिखा हमने 100 joule is equal to charge हमको कितना दिया हुआ है 4 coulomb, तो हमने लिखा 4 into potential difference, potential difference हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, minus 10 volt से लेके जा रहे हैं V volt, तो हम potential difference कैसे लिखते हैं, final VB minus initial VA, तो यहाँ पर VB कितना दिया हुआ है हमको, V दिया हुआ है, देखो final हमको V दिया हुआ है और हमको initial कितना दिया हुआ है 10 volt, तो कुछ नहीं बस potential difference हमने यहाँ पर खोला, तो potential difference को अगर हम खोलेंगे तो हम लिखेंगे VB माइनस वी ए, पोटेंशियल फाइनल पर पॉइंट पर और पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट पर, तो यहाँ से हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 4 इंटू में वी भी हमको कितना दिया हुआ है, वी भी हमको वी वोल्ट दिया है जो कि हमको फाइंड करना है, तो हमने लिखा वी माइनस ए हमको कितना दिया है माइनस 10, मतलब ये हो गया माइनस 10, तो यहाँ से हमको मिलने वाला है प्लस 10, इसको कैंसिल किया तो कितना मिलेगा हमको 25 इज इक्वल टू वी प्लस 10 या फिर V इज इक्वल टू 15 वोल्ट। सो हमारा पोटेंशियल यहाँ पर कितना आया 15 वोल्ट, बिल्कुल सही है अजर्शन, है ना, और इसी रिलेशन को यूज करके हमने निकाला है, यानी कि अजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर अजर्शन। तो देखो अजर्शन रीजन में इस तरीके से एक न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं और नीचे रिलेशन हो सकता है कि कोई दूसरा भी दे दें, तो उस केस में हमारा रीजन गलत हो जाता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमको यहाँ पर आंसर कुछ और दे देते तो हमारा अजर्शन भी गलत हो जाता, ठीक है। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए अजर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, इसका आंसर तो रह ही गया, इसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर अजर्शन, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
ए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 से केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस एंड 30 असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ते रहो. बाय बाय.